अनुशासन के मामले में मैं बिल्कुल पाना चाहूं, याद रखना इस बात को, अनुशासन इसका मजाक नहीं करता हूं। इंटर के लिए जो एक एक लफ्ज कह रहा हूं उसे अपना कान में और दिमाग में डाल लो, तुमसे ज्यादा जिम्मेदार है वो लोग, सब लोग बैठे हुए हमारी बात है, मैंने नीचे बैठे हुए तुम्हें दर्द क्यों नहीं करते। ये जो तुमसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग नीचे बैठे हैं, ये क्या जिम्मेदार नहीं है? बस बस शांति रखे, मैं शुरू करता हूँ। मुझे इनको इसलिए डांटना पड़ता है, ये देश का भविष्य है, और देश का भविष्य अगर ऐसा होगा तो आप समझिए समाज का क्या होगा। हम एक अच्छा अवसर कि हमें यहाँ आने का मौका, और इस अवसर पे क्योंकि मैं गांव से आता हूं, मैंने गरीबी देखी, मैंने तमाम तरह की गांव से परेशानियां देखी, तो मुझसे बेहतर हालात जो है क्या तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कोई अमीर नहीं जानता। कितनी तरह की परेशानियां हमारे लोगों को सहनी पड़ती है, या तो आप जानते हैं जो कह रहे हैं, या मैंने जो सही है मैं जानता हूं। अभी हम बनारस गए, बनारस में वो जो गुरु घर है, और संजय आप मुझे कोई विश्वास नहींता करता मिला ना, तो वो आदमी वो समाज के और मेरे बीच में जो आदमी तो गुरु घर पे इस बार जाने के बाद एक चीज देखने को मिली कि एक अटूट श्रद्धा जो है, एक अटूट विश्वास हमारे कुल गुरु संत सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारे लोगों में है, और उसका मैं खुद का कारण बताता हूं। हमारे लोगों के पैर में चप्पल नहीं, उनके कपड़े जो है वो भले ही फट रहे थे, लेकिन वो अपने गुरु को नतमस्तक होने वहां जरूर गए, और कैसे कैसे उन्होंने पैसे का अरेंज किया होगा, किस तरह से उन्होंने मेहनत की कमाई से निकाले होंगे, ये देख के मुझे एक और भरोसा मिला कि देखिए हमारा व्यक्ति कितना स्वाभिमानी, और वो अपने गुरु महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कितना जो है लाभान्वित है, वो प्रयास कर रहा है कि हमारे सतगुरु महाराज जी का बेगमपुरा राज का सपना पूरा हो। और उस दिन हमने तय किया, मैंने बाबूजी से बात की कि बाबूजी हम लोग चलेंगे गांव गांव में, जब तक हम गांव में जाकर अपने लोगों का हाल ले जाएंगे तो उनकी क्या मदद करेंगे। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कवि, करुणा के सागर तथागत गौतम, ये हमारे गुरु हुए, हमारे महापुरुष हुए, हमारे ईश्वर तुल्य हुए, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया और फिर इस पीढ़ी को आगे बढ़ाया। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, और माननीय साहब श्री काशीराम जी, और आज ये जिम्मेदारी हम सब के ऊपर, क्योंकि बेगमपुरा राज तो तभी बसेगा ना, वो कहते हैं जिसका राज नहीं होता उसका धर्म नहीं होता। तो दुनिया में 640 साल पहले 44वीं जयंती मनाएंगे इस बार, तब आए हुए गुरु जी ने तमाम उस समय के राजा महाराजा को, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे वो ठाकुर राजे रहे हो, तमाम लोगों ने सतगुरु जी की, सतगुरु जी को अपना गुरु स्वीकार किया नहीं किया, क्या आप लोग भूल गए हैं? सिकंदर लोधी से लेकर तमाम लोगों ने तुगलकाबाद मंदिर से गुरु भट्ट टूटा, आपको याद है ना, सब लोग गए थे नहीं गए थे, लाठियां भी खाई या नहीं खाई, मुकदमे भी जेल ठान में लोगों ने, और हमने जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि भाई ये वापिस नहीं होगा, उसे करवाया नहीं करवाया, तो ये आपका दम है ना। लेकिन दो चीजें मैं कह के अपनी बात खत्म कर दूं, प्रोग्राम बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये कि सतगुरु जी कहते हैं पराधीनता पाप है, जान
लेंगे बीज। पराधीनता पाप है, जान लेंगे बीज। पराधीन रविदास को कौन करे प्री, यानी के गुलाम से कोई प्यार नहीं करता। और मैं लगातार आपको सिखा रहा हूं अपने नौजवान साथियों को कि हम यहां गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए। गुलाम का ना कोई धर्म होता है, ना गुलाम से कोई प्यार करता है, ना गुलाम को कोई बराबर मिटाता है। हमारे लोगों को स्वाभिमान की लड़ाई यहां लड़नी पड़ेगी। और जब सतगुरु जी महाराज ने इतने दिन पहले कहा कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनु मन, और छोट बड़े सब संग बसे रविदास ने बर्तन, कोई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा वही इतने साल पहले 600 साल पहले सतगुरु जी महाराज कह के गए। उन्होंने कहा हमें बेगमपुरा राज बताना। कौन सा राज सुना है आपने? बेगमपुरा राज। बेगमपुरा राज ये होता है बेगम, बिना गम का राज, जहां किसी को कोई भय ना, जहां किसी को कोई चोरी का लूट का डर ना, जहां किसी गरीब को ना तो कोई मां गरीब हो, ना कोई अमीर हो, ना किसी को सताया जाए, ना किसी के ऊपर जुल्म जाति की जाए, और ना ही कहीं किसी को वहां आने की परेशानी हो, ना ही किसी को किसी तरह की परेशानी। ऐसा राज का सपना आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा दुनिया में किसी के पास ये सिद्धांत, ये अवसर नहीं था, ये रास्ता नहीं था जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया 600 साल पहले। जब समझिए कि लोगों के पक्के मकान नहीं होते थे, समझ रहे? तो हम अपने गुरुओं महापुरुषों का इतिहास भूल गए हैं। वो बलशाली कौन? मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन भी चंगा मगर कठौती दुर्गी तू है, समझ रहे हो? तो जिन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे अधिकार छीन लिए हैं उनको मैं आज अपने गुरु की धरती से चैलेंज करता हूँ कि चिंता मत करो, अब हम अपने समाज को इतना तैयार करेंगे और आपकी भाईचारा मजबूत करेंगे और हमारा राज भी आएगा। जो सतगुरु रविदास महाराज का सपना था, क्या आप उनका सपना पूरा नहीं करना चाहते? भाई आप उनके नाम पे उनके आगे नतमस्तक होते हो, उनके गुरु घर में बैठ के प्रार्थनाएं करते हो, आशीर्वाद मांगते हो, तो क्या उनका सपना कोई और पूरा करेगा? ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना भाई। जो बाप का सपना होता है कौन पूरा करता है? बेटा करता है ना। कर रहे आप पूरा? तो करने के लिए चाहिए बिल्कुल ठोस संकल्प कि हम करेंगे, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे सोचिए। आज तो संविधान है ना, अधिकार है, कल संविधान फिर चला जाएगा, फिर हमें ये लोग हमारे अधिकार छीन लेंगे। समझ रहे? उस सपने को पूरा करना, उसमें अपने लोगों के आंसू, हमारे लोगों ने आजाद भारत में भी क्या मिला है? सिर्फ आंसू, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ अपमान, सिर्फ जुल्म जाति, माताओं बहनों के साथ, बच्चों के साथ तमाम तरह का शोषण, कोई जमीन कब जाएगा, कोई कुछ, हमें क्या मिला? अगर हम ये जानते हैं, मैं पूरी ईमानदार से कह रहा हूं इस कौम में जन्मने के बाद कि हमने हमेशा प्यार बांटा, कोई आदमी इस बात की वो नहीं कर सकता कि हमने नफरत कभी किसी की हो, हमने दुश्मन के लिए भी प्यार बांटा है, और ये हमारी ताकत है, हमारे गुरु महापुरुषों ने सिखाया है। लेकिन अब हम इस देश में कमजोर वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, सताए हुए लोग, बहुजन समाज के लोग अपना हक अधिकार चाहते हैं, और उसके लिए मैं चाहता हूँ इस लड़ाई को जीतने के लिए आपका आशीर्वाद, क्योंकि कहते हैं ना जिसका परिवार से पीछे नहीं खड़ा होता कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे? तो मेरी ताकत और मेरा परिवार तो आप बस, आप पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये पूछो कि कितने लोग बड़े हैं, क्या कभी मैंने आपको निराश किया? नहीं। कोई ऐसा अवसर हो? नहीं। कभी ऐसा हो कि लाठी रख दी और मैंने किसी और को आगे कर दिया हो? नहीं। कभी कहीं मान सम्मान की लड़ाई मैं भाग गया वहां से? नहीं। मैंने 16 महीने जेलें काटी, मैंने दिल्ली में भी जेल काटी, कहते तिहाड़ बहुत बड़ी है, वहां आदमी जेल खा लेती है। तो हमने कहा कि जितने अपने गुरु का आशीर्वाद हो तो कोई नहीं खा सकता। दुनिया में देश के अंदर पूरे देखो आपको घर होना चाहिए, रविदास का कौन कौन सा स्पेशल घर होना चाहिए, 136.64 करोड़ लगभग 137 करोड़ लोगों में से आपके फूल को जो है पूरी दुनिया में सम्मानित किया गया, ये आपके लिए गर्व का पूरी दुनिया ने।
बढ़ता नेता है जो भविष्य में कुछ अच्छा करके आएगा तो वो चर्चे का आएगा। जिनसे आप पिछले आजाद भारत में जो पुराने समय से लड़ रहे हैं 10 साल में काट दूंगा आपको ईमानदार मुंह याद रखना मेरी बात। 10 साल में 11वां साल भी लगने दूंगा। माननीय काशीराम साहब को गुरु मानता हूं, उन्होंने 12 साल में कह किया था ये काम कि पूरे देश को ताकत दी थी, मैं 10 साल में काट दूंगा आप लोगों के सहयोग से। और याद रखना ईमानदारी छोड़ने से पहले तुम्हारे खिलाफ जाने से पहले मरना पसंद करेगा तब से धोखा नहीं करेगा। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, कभी आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया, कभी आपको मार नहीं दिखने दिया। अब मुझे आगे बढ़ाना है या मेरा साथ देना है आपके ऊपर। अगर मेरी माँ, मेरे भाई, अगर मेरे बुजुर्ग मेरा साथ देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि सतगुरु रविदास जी महाराज का सपना पूरा होगा। आपकी दीदी आपको याद रखना मेरी बात, वरना इतने दिन हो गए आप देख लो क्या मिला, क्या हमारे लोग, क्या मैं नहीं जानता। अगर हम पैसे वाले होते तो क्या कुर्सियां नहीं पड़ी होती सब लोग के लिए। तो हमने देखा है कि पिछड़ा सताया गया है। बस मैं आपके आशीर्वाद लेने के आया था, कोई भाषण देने के लिए नहीं आया था। मैं गारंटी देता हूं मैं आज हूं यहां। और मेरे कहा गया एक एक वचन जो है अपने गुरु घर में सत्य है। मैं मिटना पसंद करूंगा लेकिन किसी भी कीमत पे समाज का मान सम्मान कमजोर नहीं करूंगा। लड़ाई बहुत लंबी है और आप तो जानते हैं पूरे देश में दुनिया में रहते ना हमारे लोग, सब जगह समस्या, सब जगह उम्मीद करते हैं। तो हो सकता है मैं यहाँ बाद में बहुत दिनों बाद आऊं, लेकिन याद रखिए कि मुझे हर उस व्यक्ति की फिक्र है जिसको सताया जा रहा है, जो सुविधाओं से वंचित, जो सुविधा अमीरों को मिलती है ना वो सब देंगे हम, क्योंकि हमें पता ना कितर जानी है। वो तो पूरे राज्य महाराज ने रास्ता दिया और हम उस पर खड़े होते हैं। बस आपके आशीर्वाद के बाद दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो कि मैं लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ू। और मैं गारंटी देता हूं कि आपका मान नहीं झुकेगा। देखिए दुनिया में आदमी को चाहत होती ना किसी को पैसा कमाने की, किसी को बंगला बनाने की, किसी को गाड़ी खरीदने की, किसी को MP MLA बनने की। मुझे एक ही चाहत है कि मैं आपके दुख जो है वो हो, और उसके लिए मुझे एक बार अवसर चाहिए। सिर्फ जब अवसर मिलेगा तो सोचिए क्या आपको लगता है कि आप निराश हो जाओगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। हमारे सैनिक साहब यहाँ खड़े हैं,
आपकी हिस्सेदारी भी देंगे, आपके साथ रहेंगे, आपने हमारे लोगों से प्यार करो और हमारे लोगों का सम्मान करो। क्या सम्मान ही तो मांग रहे हो, थोड़ा छीन रहे किसी का? बताइए सम्मान चाहिए नहीं चाहिए? क्या गरीब आदमी सम्मान खरीदना चाहता? चलिए बहुत धन्यवाद। और आज के बाद अपने जो सपने है ना, जिनको पूछना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी छोड़े मेरे ऊपर, अपने तमाम तरह की परेशानियां जो आपके जीवन से जुड़ी उनकी समस्या छोड़े मेरे ऊपर, और आप लोग दीजिए बस आशीर्वाद दीजिए, बाकी लड़ने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।